हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फॉर हैंड टू चैनल। तो हाँ मेरे भाई, अभी फिलहाल रियलमी ने एक अपनी सीरीज लाई थी रियलमी 12। हाँ, अभी रियलमी लेके आ रहा है मेरे भाई रियलमी 13 सीरीज को। हाँ, इसके अंदर हमें दो स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे, रियलमी 13 प्रो एंड 13 प्रो प्लस 5G। हाँ, ये दो स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे और भी ये बढ़ाएंगे मेरे भाई, बट अभी जो निकल के आया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इनके मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, जहाँ पर डिफरेंसेस होगा वो भी आपको बता दूंगा, ये सीरीज कैसी है वो सारा सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा, एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। तो चलते हैं मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। 6.67 इंचेस का हमें कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। नो डाउट मेरे भाई डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे हमें टॉप ऑफ द नोट देखने के लिए मिलेगी। रियलमी की ये नंबर सीरीज है तो यहाँ पे काफी अच्छा काम ये करते हैं। 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगी। 3000 की पिक ब्राइटनेस पकड़ के चलो मेरे भाई, दोनों ही के डिस्प्ले में हमें देखने के लिए मिलेगी, या फिर कम ज्यादा भी हो सकती है। अभी ये चीज नहीं है मेरे भाई, बट मैं एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। IP68 रेटिंग हमें देखने के लिए मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर, तो ये भी चीज अच्छी है। बैटरी की बात करूँ 5000mAh का देखने के लिए मिलेगा, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा ही मेरे भाई 5550mAh का हमें बैटरी देखने के लिए मिलेगा। एडाप्टर अभी इन्होंने नहीं हाईलाइट किया मेरे भाई, यहाँ पर हम 100W का एडाप्टर पकड़ के चलते हैं रियलमी 13 प्रो के अंदर। प्रो प्लस के अंदर 120W हम पकड़ के चलते हैं मेरे भाई। कैमरा सेटअप्स की बात करूँ, बैक साइड में टिप पर यार कैमरा सेटअप 50MP का मेन है, जो सोनी का IMX890 वाला देखने के लिए मिलेगा। हाँ, मेन इसका ही होगा। टेलीफोटो भी 50MP हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा। अल्ट्रा वाइड भी 50MP हमें देखने के लिए मिलेगा। सेल्फी कैमरे की बात करूँ मेरे भाइयों, 16MP का रियलमी 13 प्रो के अंदर देखने के लिए मिलेगा और 32MP का रियलमी 13 प्रो प्लस 5G के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन 5G है मेरे भाइयों। प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर निकल के आता है रियलमी 13 प्रो 5G का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3। हाँ, रियलमी 13 प्रो प्लस 5G के अंदर आई थिंक मेरे भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 हमें देखने के लिए मिल सकती है। प्रोसेसर अभी कंफर्म नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट एक्सपेक्टेड करता हूँ मेरे भाई ऐसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने के लिए मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। हाँ, लॉन्च डेट की बात करूँ, लॉन्च डेट इस जुलाई महीने में ही हमें देखने के लिए मिल जाएगा, इस महीने के एंडिंग तक आई थिंक मेरे भाई इंडिया के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करूँ, रियलमी 13 प्रो 5G के अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, 25 से 28 के अंदर कुछ आएगा, और जो रियलमी 13 प्रो प्लस 5G है उसकी प्राइसिंग under 30K हम पकड़ के चलते हैं मेरे भाई। तो यही सारा सब कुछ था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ मेरे भाई, ये फोन्स के लिए आप क्या वेट करोगे ये भी बताना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता आपसे घंटे के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाई।